हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। कौन सा बुक का प्रेफरेंस लिया जा रहा है? तो ये दोनों जो आपका बुक है, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बुक है बिहार एक परिचय, उसका आर एडिटोरिया का जो बुक है उसका दोनों का क्या है कि ये एक तरह से निचोड़ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि आपको कॉमेंट कर देना है, तब आपको पीडीएफ क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बिहार का प्राचीन इतिहास में सिलेबस क्या है। तो हम जैसा कि बता चुके हैं पहले भी क्या है कि पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और कुषाण वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इतना आपका बिहार का प्राचीन इतिहास है उसमें पढ़ना है। अगर आप बिहार स्पेशल के लिए कोई बिहार का एग्जाम है जिसका तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि बीपीएससी है, बीपीएससी टीचर है और भी जैसे है सीडीपीओ का एग्जाम है, बीपीएससी बहुत तरीका का एग्जाम लेता है, वो सब में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध हम लोग इतना आगे ही ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग को आज जो दो पढ़ना है कौन कौन पढ़ना है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। छठी शताब्दी में क्या हुआ कि दो धर्म बहुत ज्यादा क्या हुआ था कि विकसित हुआ था, एक तो जैन धर्म था और दूसरा क्या था, बौद्ध धर्म था। ठीक है, तो जैन परंपरा के अनुसार है कि क्या है कि 24 तीर्थकर हुए उनका। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार कितने तीर्थकर है, तो 24 तीर्थकर है। अगर प्रथम आपसे पूछे कि कौन है तो ऋषभदेव को बताना, 23वें कौन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कौन है, तो पार्श्वनाथ है। 24वें कौन है, तो महावीर है। और महावीर को ही क्या माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर महावीर के बारे में जाने तो महावीर का जन्म हुआ था कब, तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली में। कहां पर हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। ये बात आपको याद करके रखना है। ठीक है, उनके पिता का नाम अगर पूछे तो सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला, जो नरेश चेटक के क्या थे, बहन थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है कि महावीर का क्या हुए कि 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिए थे, गृह त्याग कर दिए थे, घर को त्याग कर दिए थे। 12 वर्ष तक क्या किए, तपस्या करने के बाद जृंभी ग्राम के समीप ऋजु पालिका नदी के तट पे क्या हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे कैवल्य कहा गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग अगर इसमें पढ़ते हैं तो क्या है कि ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर को क्या बोला गया, तो केवलिन बोला गया, जीन बोला गया, अहर बोला गया और निग्रंथ बोला गया। ठीक है, इतना चीजें कहलाए थे ज्ञान के प्राप्ति के बाद। ठीक है, केवलिन विजेता योग बंधन रहित कहलाए। ठीक है, जैन धर्म जो है कर्मवाद पे आधारित है लेकिन कठिन तप पे ज्यादा विश्वास रखता है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म में क्या था कि 5 व्रत था, क्या क्या, अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य, झूठ ना बोलना, अतिशय, चोरी ना करना, अपग्रह, संपत्ति अर्जित ना करना, मतलब कि संपत्ति ज्यादा अर्जित मत करना, जितना नीड है उतना ही रखना, बाकी सबको क्या करना, दान कर देना। ठीक है, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को निग्रह करना, मतलब कि अपना जो इंद्रिय है, अपना जो इंटरनल चीज है, ऐसा ना हो कि किसी चीज को क्या हो, देख के बहक जाना। ठीक है, इसको क्या करना, अपने इंद्रियों को क्या करना, निग्रह करना, कंट्रोल में रखना। और जो 5वां जो था ब्रह्मचर्य का, जो व्रत दिए थे, कौन दिए थे, महावीर दिए थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है किंतु जीन से क्या है कि नीचे रखा गया है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्या, जीन से नीचे रखा गया है, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है लेकिन किससे नीचे रखा गया है, जीन से। ठीक, अगर ये पूछ ले कि किससे नीचे रखा गया, तो जीन से। आगे जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या है कि जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छटकर पाने के लिए 3 उपाय बताए गए थे। वो तीनों का क्या बोला गया था, तो त्रिरत्न बोला गया था। क्या बोलते हैं उसको, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, 66 का आप देखिएगा पेपर, तो उसमें पूछा हुआ है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जैन धर्म का क्या है, त्रिरत्न है। ठीक है, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को क्या किया गया है, तो वर्जित किया गया है, क्योंकि जो जैन धर्म है बहुत ज्यादा अहिंसा को पालन करता है। ठीक है, इसमें हिंसा होता है, क्या चीज करने में, युद्ध और कृषि होने में।
में, इसलिए क्या है कि दोनों को क्या किया गया है, बैन किया गया है। युद्ध होने में तो हम लोग जानते हैं कि उसमें रक्तपात होगा, लेकिन कृषि होने में भी क्यों माना गया गया है, क्योंकि जब हम लोग खेत को जोतते हैं, खेत को सिंचाई करते हैं, तो उसमें बहुत सारा जीव क्या होता है कि मर जाता है, कीड़ा मकड़ा होता है, बहुत सारा इसमें मर जाता है, इसको भी क्या गया है कि रोका गया है। यही सब के इतना ज्यादा कड़ाई होने के कारण आगे जाके क्या हुआ था कि जैन धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया था। ज्यादा हार्ड भी कोई चीज ना, धीरे धीरे क्या होता है कि उसका विनाश का कारण बन जाता है। जैन धर्म पुनर्जन्म में भी क्या है कि विश्वास करता है, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं, कालांतर में क्या हुआ कि जैन धर्म क्या हो गया, टूट गया था दो भागों में। एक कौन था तो श्वेतांबर था, दूसरा कौन था तो दिगंबर था। श्वेतांबर क्या थे तो श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे, दिगंबर जो थे नग्न में रहने वाले थे, मतलब कि बिना कपड़ा के रहते थे, ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो 19वें तीर्थकर इनके जो थे जैन धर्म के, वो मलिकनाथ क्या माना जाता है कि स्त्री थे, लेकिन दिगंबर के अनुसार क्या मानते हैं कि वो पुरुष थे। ये इसमें क्या होता है कि डॉट बना हुआ रहता है, और हम लोग जानते हैं कि डॉट वाला ही क्वेश्चन क्या होता है कि पूछ लेगा। अगर पूछ लेगा कि मलिकनाथ 19वें जो तीर्थकर थे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार से क्या थे, स्त्री थे कि पुरुष थे या कुछ और थे, तो इसमें क्या टिक करना है तो स्त्री थे। लेकिन अगर दिगंबर के अनुसार क्या याद रखना है तो पुरुष थे, ये बात आपको याद रखना चाहिए। आगे क्या है कि इसमें क्या हुआ कि यद्यपि जैन धर्म आरंभ में तो मूर्ति पूजन नहीं करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोग जो थे महावीर ये सब के और भी अन्य तीर्थकर जो थे उनका पूजन करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। धीरे धीरे इसमें भी बदलाव होने लगा। जैन धर्म में क्या हुआ था कि दो गो संगीति हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो संगीति हुआ था हम लोग जानते हैं जैन धर्म में, और बौद्ध धर्म में कितना हुआ था तो चार हुआ था, नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि जैन धर्म में दो हुआ था और बौद्ध धर्म में चार, ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, कौन अध्यक्ष थे, ये पूछते रहता है। तो प्रथम जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में, कुछ स्रोतों में क्या लिखा रहता है तो 300 ईसा पूर्व में लिखा रहता है। स्थान कहाँ पे हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे तो अस्तुल भद्द थे, ठीक। परिणाम क्या हुआ था कि बिखरे, इसका कोई तो परिणाम निकलेगा, कोई भी सम्मेलन होता था उसका परिणाम निकलता है, तो इसका परिणाम क्या निकला था कि बिखरे लुप्त ग्रंथों का क्या किया गया था, जैन धर्म का जो बिखरे और लुप्त ग्रंथ था उसको क्या किया गया, संचयन किया गया, एक जगह किया गया, और 12 अंगों का क्या किया गया, संकलन किया गया था। और इसी में क्या हुआ था कि जैन जो धर्म था दो भागों में बट गया था, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर, ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या हुआ कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 513 ईस्वी कहीं पे लिखा रहेगा, और कहीं पे क्या लिखा रहेगा 526 ईस्वी। स्थान कहाँ पे हुआ था तो आपको याद रखना चाहिए, कहाँ पे, गुजरात में हुआ था, वल्लवी में हुआ था। देवर्धि क्षमा श्रमण इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इस सम्मेलन का परिणाम क्या निकला था कि इसमें क्या हुआ था कि प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथों का क्या किया गया था, संकलन किया गया था। तो आपसे अगर पूछ ले कि कौन सा सम्मेलन में प्राकृतिक भाषा में जैन धर्मों का, जैन ग्रंथों का क्या किया गया था, संकलन किया गया था, तो आपको याद रखना है द्वितीय। और कहाँ पे हुआ था द्वितीय, तो गुजरात में हुआ था। कब हुआ था तो 513 ईस्वी कहीं पर लिखा रहेगा, और कहीं पर लिखा रहेगा 526 ईस्वी। और इसका अध्यक्ष पूछता है तो अध्यक्ष कौन थे, तो देवर्धि क्षमा श्रमण थे, ये बात आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि जैन धर्म को क्या अनेक शासक क्या थे कि संरक्षण दिए थे, पूछते रहता है हमेशा। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, महापद्मनंद थे, जो क्या थे कि नंद वंश के क्या किए थे, स्थापना किए थे, ये बात हम लोग जानते हैं। और अमोघवर्ष थे और खारवेल, ये सब क्या थे, महत्वपूर्ण शासक थे, जो किनको मतलब संरक्षण प्राप्त करवाए थे, तो जैन धर्म को, ठीक है। हम लोग तो जानते भी हैं कि ये क्या किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के, सर्वन बेलगोला जो चले गए थे कर्नाटक में, और वहां पे क्या किए थे, संन्यास धारण करके अपना मृत्यु क्या किए थे, प्राप्त किए थे, हम लोग जानते हैं। आगे क्या हुआ था कि ये पूछते रहता है हमेशा कि गंग शासकों के अधीन क्या हुआ था, एक सामंत जो थे चामुंड राय, उन्होंने क्या किए थे, कर्नाटक के सर्वन बेलगोला में गुमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई थी। अगर पूछ ले कौन बनवाए थे प्रतिमा गुमतेश्वर के, तो ये बात आपको याद रखना है, चामुंड राय ने, ठीक है। कहाँ पे, तो सर्वन बेलगोला कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, ठीक है। यहीं पर क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्रांत त्यागे थे, हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग इसमें जानते हैं तो क्या होता है कि 468 ईसा पूर्व में महावीर का क्या हुआ कि निर्वाण हुआ, तो निर्वाण के मतलब कि मृत्यु प्राप्त हो गया, सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। राजगीर के समीप कहाँ पे हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है, कहाँ पे, तो राजगीर के समीप पावापुरी में, ठीक है। तो आगे
हम लोग को जो नेक्स्ट वाला जो है हम लोग का क्या है, तो बौद्ध धर्म है, हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। छठी शताब्दी में क्या हुआ था कि दो जो धर्म था इंपॉर्टेंट था उसमें, तो एक जैन धर्म जो अभी पढ़ लिए, और दूसरा क्या है कि बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में अगर आप जाइएगा तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के क्या है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन थे, तो अपना गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी जो जगह है वहां पे हुआ था। लुम्बिनी कहां पे है, तो नेपाल में है, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। इनको क्या बोला जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, तो शाक मुनि बोला जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया और शाक मुनि बोला जाता है इनको। ठीक, आगे हम लोग इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, सुदोधन था। इनके माता का नाम महामाया देवी था, और इनके सौतेली माँ और मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और आगे जो हम लोग जानते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, जो 16 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था, तो क्या था, राहुल। आगे क्या हुआ कि ये जो थे कैसे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, ये तो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि बुद्ध ने क्या देखे थे, चार दृश्य देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति देखे, बीमार व्यक्ति देखे, और एक शव देखे, और एक सन्यासी देखे। और उसके बाद क्या हुआ कि 29 वर्ष की आयु में अपना क्या कर दिए, तो गृह को त्याग दिया, और त्यागने के बाद अपना सन्यास धारण कर लिए, और 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद 35 साल की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उनको क्या कहा गया, तो तथागत बुद्ध कहा गया। ये बात आपको याद रखना चाहिए। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, ये भी पूछता है, तो बैसाख की पूर्णिमा के दिन कहां पे प्राप्त हुआ था, तो पीपल के एक वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी जो फल्गु नदी के ही क्या है दूसरा धारा है, उसके तट पे बोधगया में हुआ था। ये बात आपको याद रखना चाहिए। पटना से 90 किलोमीटर अगर आप जाइएगा दक्षिण की ओर, तो मिलेगा ये बोधगया जगह। आगे हम लोग क्या जानते हैं कि उन्होंने क्या किए थे कि अपना प्रथम उपदेश दिए थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा बोला गया था, क्या बोला गया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। और कहां पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहां, यूपी में, काशी के 10 किलोमीटर के ही दूरी पर है, ये बात हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इनका उपदेश देखते हैं, तो क्या होता है कि इनका जो उपदेश था मेनली रूप पर क्या चीज पे टिका हुआ था, तो व्यवहारिकता पे अधिक था। ठीक है, व्यवहार पे ज्यादा देते थे ये उपदेश, ये बात आपको याद रखना चाहिए। आगे हम लोग जानते हैं, तो इसमें क्या है कि उन्होंने चार आर्य सत्यों के बारे में प्रतिपादन किए थे। कौन था चार आर्य सत्य, तो दुख, मतलब संसार में दुख है। ठीक है, समुदाय दुख के कारण भी है, कुछ ना कुछ दुख का कारण भी है, और दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। निरोध मतलब दुख के निवारण भी है, कोई भी दुख है तो उसका क्या किया जाता है, ठीक किया जा सकता है। और मार्ग निवारण के लिए क्या दिए थे, तो 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है, ये हम लोग जान लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला था सम्यक दृष्टि, तो मतलब कि चार आर्य सत्यों में क्या करना है, आपको विश्वास रखना है पहले। दूसरा क्या है कि सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास में क्या करना है, प्रतिज्ञा करना है। फिर क्या करना है, सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ नहीं बोलना है। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना है। और सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार ना करना है। ठीक है, सम्यक व्यायाम, अपने आप को सुधारने का कोशिश करना है, डेली अपना एक्सरसाइज करना है, और अपने आप को क्या करना है, सुधारने की कोशिश करना है। सब बोलता है कि व्यायाम क्यों जरूरी है। ठीक है, आर्मी लोग को व्यायाम या एक्सरसाइज क्यों करवाया जाता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन बहुत ज्यादा लाता है। इसलिए क्या है कि सम्यक व्यायाम, अपने आप को सुधारने का कोशिश करना है। ठीक है, सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिकता योग्यता पाने की कोशिश करना है। ये 8 मार्ग दिए थे, ये बात आपको याद रखना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्म प्रतीक हमेशा एक क्वेश्चन बनते रहता है कि कौन इसका, मतलब जन्म से क्या प्रतीक है, गृह त्याग के क्या प्रतीक है, ज्ञान का क्या प्रतीक है, स्तूप का क्या प्रतीक है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। एक तरफ घटना दे देगा, एक तरफ प्रतीक दे देगा। तो हम लोग को देखना क्या है कि जन्म से क्या है, कि जन्म का क्या प्रतीक है, तो कमल एवं सांड है, ये बात आपको याद रखना। गृह त्याग का क्या है, तो घोड़ा है। ज्ञान का क्या है, तो पीपल, जो बौद्धि वृक्ष के नीचे, यहीं पर इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये इनका प्रतीक बन गया। और स्तूप क्या है, मृत्यु से है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या है कि ईश्वर और आत्मा में बौद्ध धर्म जो था क्या था कि विश्वास नहीं रखता था, मतलब कि ये नास्तिक था। ठीक है,
और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनिश्वरवादी या अनात्मवादी कहा गया है बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में क्या है कि विश्वास रखता है, किंतु पुनर्जन्म को क्या चीज से लिया है, तो चेतना से लिया है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। आगे क्या है कि बौद्ध धर्म में क्या है कि वर्ण व्यवस्था को क्या किया गया है, कट्टु आलोचना किया गया है और उसका विरोध किया गया है, और इसमें सभी वर्गों के और स्त्रियों का भी क्या किया गया है, प्रवेश स्वीकार किया गया। हम लोग जानते हैं कि 530 ईसा पूर्व के पहले की बात हो रहा है, 540 ईसा पूर्व ये सब की बात हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि उस समय बहुत ज्यादा क्या था, वर्ण व्यवस्था था, और उस समय क्या था, स्त्रियों को तो बहुत सारा राइट भी नहीं दिया गया था, तो ये सब को भी क्या किया गया, उसमें से हटाया गया बौद्ध धर्म में से, और ये सब को भी क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, उस समय इतना चीज को सोचना बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षु क्या होता था कि वर्षा काल में एक ही स्थान में रहते थे, एक स्थान पर रहते थे, जिसको क्या बोलते थे, तो बसस बोलते थे, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और कभी कभी आपको लिखा रहता है कि बौद्ध भिक्षु जहां पे प्रार्थना करते थे वहां पे रहते थे, जहां पे प्रार्थना करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो बिहार बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए, इसी वर्ड से क्या निकला था, तो बिहार का उत्पत्ति हुआ है, बिहार वर्ड जो इस क्षेत्र में ज्यादा था यहाँ पे, तो इसी से क्या हुआ था, बिहार राज्य को बिहार नाम पड़ा था। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या था कि बौद्ध धर्म को कौन संरक्षण प्राप्त किए थे, तो बिंबिसार किए थे। ठीक है, अजात शत्रु अशोक कनिष्क हर्षवर्धन इत्यादि राजाओं ने इनको संरक्षण दिए थे। आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं, तो क्या है कि चार क्या हुआ था, बौद्ध संगीति हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किनके काल में हुआ था, कब हुआ था, कहां पे हुआ था, कौन अध्यक्ष थे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो प्रथम जो हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था, राजगीर में हुआ था, किनके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में, और कौन अध्यक्ष थे, तो महाकश्यप थे। द्वितीय वाला कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, काल अशोक उसका क्या थे, शासनकाल में थे उस समय, और सभा कामी क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तीसरा वाला कब हुआ था, तो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक उस समय के क्या थे, राजा थे, और मोगली पुत्र तिस्त क्या थे, तो अध्यक्ष थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। चतुर्थ जो था कि क्या था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क क्या थे, राजा थे, और वसुमित्र क्या थे, इस सम्मेलन का क्या थे, अध्यक्ष थे, और अश्वघोष क्या थे, इसका उपाध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, कम से कम। आगे जाकर क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बट गया था, और दोनों जो था कि अलग अलग क्या मानता था कि बुद्ध है, बुद्ध क्या है कि अलग अलग तरह से ये दोनों देखे थे। तो बुद्ध को क्या मानते थे, महायान, तो बुद्ध को मानते थे महापुरुष मानते थे, लेकिन हीनायान क्या मानते थे कि बुद्ध एक देवता है। इसमें भाषा को पाली माना गया, इसमें भाषा को क्या माना गया, संस्कृत माना गया। महायान मानते थे प्रतीक को बंदर, और इसमें प्रतीक को क्या, बिल्ली मानते थे। सर्वोच्च आदर्श क्या है, अहर्थ है, और सर्वोच्च आदर्श क्या है, बोधिसत्व की अवधारणा है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे कुछ फैक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फैक्ट है, तो बौद्ध संघ में क्या है कि प्रविष्ट होने को क्या बोला गया है, तो उपसंपदा कहते हैं। ठीक है, बुद्ध को उपदेश कहां, मतलब कि समटा गया है, कहां पे लिखा गया है, तो इसमें कहां पे लिखा गया, सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश को, और विनय पिटक में संघ के नियम को, और अधिदम पिटक में बौद्ध दर्शन को क्या किया गया है कि समेटा गया है, लिखा गया है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। जातकों में क्या है कि बुद्ध को पुनर्जन्म के क्या किया गया है, काल्पनिक कथाएं को लिखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं, तो क्या हुआ कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में क्या हुआ था। कुशीनगर भी कहां है, तो आपको याद रखना है यूपी में ही है। कुशीनगर कहां है, तो यूपी में है। कुशीनगर स्थान पे क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध की महानिर्वाण मतलब की मृत्यु हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।